लालू के बड़े बेटे ने पीएम मोदी का कौन सा नुस्खा अपनाया है? क्या पीएम का नुस्खा अपनाकर लोगों का दिल जीत पाएंगे तेज प्रताप? आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म रुद्रा द अवतार को लेकर सुर्खियों में हैं। अपनी इस फिल्म के जरिए तेज प्रताप बॉलीवुड में डेब्यू करने को पूरी तरह से तैयार हैं और इसके लिए जिम में खूब पसीना भी बहा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने राजनीति छोड़ दी हो, राजनीति के मोर्चे पर भी वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं। दरअसल आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में टी विथ तेज प्रताप कैंपेन शुरू किया है। इस दौरान तेज प्रताप ने महुआ इलाके के लोगों की समस्याएं सुनी। अपने इस अभियान की जानकारी उन्होंने खुद अपने एक ट्वीट के जरिए दी। अपने पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा, आज फिर चला हूँ अपने कर्म भूमि की ओर, बहाना है कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित कार्यक्रम टी विथ तेज प्रताप एट महुआ। जनता के बीच रहने के लिए हमें किसी वजह की नहीं बल्कि बहाने की जरूरत होती है। जय बिहार, जय राजद। इसके बाद तेज प्रताप ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, टी विथ तेज प्रताप एट महुआ कार्यक्रम के अंतर्गत आज अपने कर्म भूमि में लगातार 7 घंटे भ्रमण किया। कहीं चाय के साथ विकास की चर्चा तो कहीं कुर्सी लगाकर आमजनों की शिकायतें सुन उसे तत्काल निवारण करने का हर संभव प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद महुआ वासियों को अपार स्नेह और आशीर्वाद दिया। आपको बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहे नरेंद्र मोदी ने भी चाय पर चर्चा नाम से एक कैंपेन किया था। इस दौरान उन्होंने महिला, युवा, किसान समेत समाज के कई वर्गों से चाय पर चर्चा की थी। और अब लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने भी पीएम मोदी का ये नुस्खा अपनाया है। तेज प्रताप के इस कैंपेन को 2020 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।